हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार पांडे और आप सभी का कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंबस्शन का, अर्थात दहन का। एज यू मस्ट बी नोइंग दैट कंबस्शन रिक्वायर्स इटनेस थ्री थिंग्स देयर, फ्यूल, नंबर टू ऑक्सीजन एंड नंबर थ्री इग्निशन टेम्परेचर। अगर फ्यूल या ऑक्सीजन या इग्निशन टेम्परेचर में से कोई भी एक एब्सेंट हुआ तो दहन, कंबस्शन या ज्वलन की प्रक्रिया संभव नहीं है। तो चलिए इस बात को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फ्यूल या ईंधन के तौर पर तीन चीज़ें मैंने ली है, मैचस्टिक हेड, पेपर और ये लकड़ी। अब हम इन तीनों को जलाएंगे, ठीक है। तो जलाने के लिए मेरे पास है ये सामान, लाइटर। ये नहीं, लकड़ी तो नहीं जल पा रही है, इसको जलाता हूँ मैं। अरे पेपर भी नहीं जल रहा, मैचस्टिक हेड को जलाता हूँ। अरे कोई तो जल जाओ यार, कोई सा भी नहीं जल रहा यार, ये तो दिक्कत क्या हो गई। अच्छा एक काम करता हूँ, ये नहीं जल रहे ना, इनको छोड़ो। वहां तो कुछ नहीं जला, ये तो कम से कम जलो भाई। हाँ ये जल गया, ये तो जल गया। अरे ये तो अच्छा, गैस तो जल जाती है इससे, लेकिन बाकी वो नहीं जले। अब मैं इग्निशन टेम्परेचर की बात हो रही थी। हाँ तो इग्निशन टेम्परेचर देने के लिए इसको मैं, इसमें काफी टेम्परेचर लेके आया हूं। तो देखें ये लकड़ी को जला पाएगी, इसमें तो कंबस्शन ही नहीं हो रहा है। तो इसमें लग जाओ भाई, यहां पे तो लग जाओ, कंबस्शन हो जाओ। इसमें भी नहीं हो पा रहा है कंबस्शन। अच्छा भाई तुम तो कर लो काम। ओ इसमें हो गया, मतलब यार ये क्या समझ में नहीं आ रही चीजें। देखो ये लकड़ी तो नहीं जलती है, इसमें हीट है, ये तो नहीं जलती है, ये पेपर भी आग नहीं पकड़ रहा है, कंबस्शन नहीं हो पा रहा इसमें, और ये देखो मैचस्टिक हेड इसमें हो जाता है। अच्छा इसका मतलब है, हाँ इग्निशन टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे ना, कंबस्शन के लिए फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और कंबस्शन स्टार्ट हो जाए और कंटिन्यू रहे इसके लिए इग्निशन टेम्परेचर भी चाहिए। तो इसका टेम्परेचर इतना नहीं है कि इस लकड़ी में कंबस्शन शुरू कर दे, इसमें इतना टेम्परेचर नहीं है कि ये पेपर में भी कंबस्शन या दहन शुरू कर दे, लेकिन मैस्टिक हेड के लिए ये सफिशिएंट था। अरे हाँ ये गैस के लिए भी तो हमारा वो लाइटर जो था वो सफिशिएंट था। अच्छा तो गैस लाइटर में जो हीट है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो लकड़ी में उससे आग नहीं लग सकती, पेपर में भी नहीं लग सकती, ना ही मैस्टिक हेड में, लेकिन गैस के लिए वो सफिशिएंट है। अब मैं समझ गया। ओके
तो एक काम और भी करके देख लेते हैं, इस मैचस्टिक हेड से अगर मैं ये जलाऊं तो क्या जल जाएगा ना ये पेपर? हाँ पेपर में हो जाता है। ओके, तो ये सारा खेल जो है वो है इग्निशन टेम्परेचर का। अच्छा, तो मैंने क्या किया है, फ्यूल को कट आउट कर दिया। यहां पर ऑक्सीजन भी था, इग्निशन टेम्परेचर भी था, लेकिन मैंने फ्यूल को हटा लिया। तो फ्यूल नहीं मिलने की वजह से ये मेरा इसमें आग लगने से ये बच गया। ओके, दिस कैन बी ऑल्सो डन टू स्टॉप दहन कंबशन। अच्छा, और क्या कुछ किया जा सकता है? हाँ, तीन चीजों में से कोई भी एक चीज अगर नहीं है तो कंबशन नहीं होगा। नंबर वन चाहिए फ्यूल, जिसको मैंने हटा लिया, कंबशन खत्म। नंबर टू चाहिए इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर उतना नहीं मिलते रहे जितना कि रिक्वायर्ड है कंबशन के लिए, तो दहन अर्थात कंबशन खत्म हो जाएगा। हम इग्निशन टेम्परेचर को खत्म करेंगे, ठीक है? इग्निशन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर चाहिए उसको हम कम करेंगे, और उसको कम करने के लिए हम कूलिंग एजेंट वाटर का यूज करेंगे, ठीक है? अब हम इसको इग्निशन टेम्परेचर इसका कम करेंगे। कम करने के लिए मैं पानी का यूज कर रहा हूं। और थर्ड है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला भी एक्सपेरिमेंट हम करके देख लेते हैं कि ये ऑक्सीजन को अगर हम कटआउट कर देते हैं तो क्या कंबस्शन खत्म हो जाएगा। अभी करते हैं। तो हम अब देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन का सप्लाई, एयर सप्लाई अगर हम कट कर देते हैं तो क्या कंबस्शन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है? इसके लिए हम आज कैंडल नहीं लेंगे, मैं ले रहा हूं ये बाती। ये बाती मैं ले रहा हूं और इसमें मैं जरा कंबशन शुरू कर दूं पहले। इसका वैसे कंबशन कितना वो फ्रिक्शन से भी हो जाता है इसमें, ये देखो। तो ये कंबशन हमारा शुरू हो चुका है। अब हम इसके ऑक्सीजन सप्लाई को कट करने के लिए, जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसमें वो ग्लास यूज करते हैं। मैंने कैंडल इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि मेरे पास कैंडल है नहीं, और फॉर अ चेंज चलो ये बात ही लेते हैं। और आज ग्लास के जगह पर मैं ये जार यूज कर रहा हूँ। अब इसको मैं ऐसे कवर कर दूंगा, कवर करने के बाद ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा। लेकिन चूंकि इधर से ना ये थोड़ा सा नीचे गैप रह जाता है और उससे ऑक्सीजन जाता ही रहता है, तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ पानी ताकि वो जो गैप है वो बंद हो जाए। अरे ये तो पहले से ही खुला हुआ है। तो मैं यहाँ पे पानी डाल देता हूँ। चलो इतना पानी काफी है, थोड़ा लेवल में ले आऊं, किधर ज्यादा किधर कम हो रहा है पानी है। ठीक है, अब हम इसको कवर करेंगे इस जार से, देखते हैं क्या होता है। वीडियो तो ऑन है ना? हाँ वीडियो ऑन है। बहुत बार ऐसा होता है वीडियो ऑन ही नहीं करता और बस काम किए जा रहा हूँ। तो इसको हम कवर कर देते हैं। जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन है तब तक ये जलेगा, ऑक्सीजन खत्म होते ही ये बुझ जाएगा।
और ये बुझ गया। आपने इस बात को समझ ही लिया होगा कि ऑक्सीजन के बिना कंबस्शन नहीं हो सकता, भले वहां पर इग्निशन टेम्परेचर हो और फ्यूल भी अवेलेबल हो, लेकिन थर्ड जो कंडीशन है एयर सप्लाई, जहाँ की ऑक्सीजन मिलता है जिससे, वो अगर नहीं हो तो ये बुझेगा ही बुझेगा। साथ में यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि अंदर की जो हवा है ऑक्सीजन, उसको जब कंबस्शन प्रोसेस में जब कंज्यूम कर लिया गया तो एक तरह का वैक्यूम निर्वात बन गया अंदर, और उसको फिल करने के लिए आप देखे होंगे कि ये पानी ना सक कर लिए। देखिए अब काफ़ी यहाँ तक ये लेवल उठ गया है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि कितना ये ऊपर तक उठा हुआ है। ये देखिए पानी बाहर आ रहा है, अब देखिए ये बाहर आया, ये सक कर लिया था। ओके गाइज, तो ये था कॉन्सेप्ट टेक रियल लर्निंग, जहाँ की मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेसिक बातें हैं उसको बच्चे बेहतर तरीके से समझ लें। पेरेंट्स इस तरह के वीडियो को यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, नो रोट लर्निंग समझ करके, ताकि बच्चे आगे चल करके अच्छे टीचर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, हम अपने कंट्री और इवन वर्ल्ड में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।